नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 9 Power वर्सेस Oppo A54 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 9 Power में 6.39 इंच जबकि A54 में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 9 Power में 3.04 इंच जबकि A54 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 9 Power से कम है। बात करें थिकनेस की तो 9 Power में 0.38 इंच जबकि A54 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 9 Power में 198 ग्राम जबकि A54 में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 9 Power में 19:5:9 जबकि A54 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 9 Power में 6.53 इंचेस जबकि A54 में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 9 Power में 1080x2340 और A54 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 9 Power में 83.25% जबकि A54 में 82.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 9 Power में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि A54 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 9 Power में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और A54 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 9 Power में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A54 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 9 Power में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और A54 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 9 Power में Adreno 610 जबकि A54 में Power GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 9 Power में Qualcomm Snapdragon 662 और A54 में MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 3 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4 GB, 4 GB, 6 GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 3 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64 GB, 128 GB, 128 GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 9 Power में अप टू 512 GB जबकि A54 में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी 9 Power में 6000 mAh जबकि A54 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 9 Power में 4 कलर्स जबकि A54 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 9 Power में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीज, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीज
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,989 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें A54 की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,489 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,490 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,825 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi 9 Power में 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo A54 की तो उसमें 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 9 पावर आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 9 पावर आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 16 है, दूसरा रियलमी नाजो 30 है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी F22 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स नोट 11 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।